आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों आपके कमेंट आ रहे थे जो मैंने अभी वीडियो बनाई है ऑल पैचेस वाली, उसमें तो मैं उसी कमेंट का रिप्लाई लेके आ गया हूँ। 122 नंबर का जो पैच है मेरे पैड में, वो मैं आपको बता देता हूँ, गजब कर गई हाई ब्रिज की राधा और ढोलक पैच है, बहुत सिंपल सा है। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसकी भी आप एडिटिंग बता देना, तो मैं वो बता देता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो पैच बजता किस तरीके से है, फिर उसकी हैंड रनिंग, देन उसके बाद इसकी एडिटिंग। तो देख लेते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस तरीके से इसकी प्लेइंग रहती है, बड़ी सिंपल सी। देखो यहाँ बेस गिटार लगाया हुआ है और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस तरीके से दोस्तों इसकी प्लेइंग रहती है। प्लेइंग इसकी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक दो बार पहले इस तरीके के पैच बता चुका हूं। तो अब फटाफट से आइए इसकी एडिटिंग देख लेते हैं। ये गाना ना बहुत फास्ट में ही बज जाता है, देखो ये पैच। इस तरीके से तो दोस्तों आइए फटाफट से अब हम लोग इसकी एडिटिंग देख लेते क्या है। तो यहां पे मैंने फर्स्ट कॉलम में ए पार्ट के अंदर, यानी ए पार्ट मतलब हमारा वन लेयर जो है, उसमें मैंने दोस्तों 1016 साउंड इफेक्ट 156 के नाम से बेस गिटार लगा रखा है, और इसके दोस्तों फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड लेयर खाली है। आइए यहाँ सेकंड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं हम। सेकंड लेयर में दोस्तों ढोलक बाया 3 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 118563 इसका जो है वो वॉल्यूम है, और माइनस 3 इसकी क्रॉस ट्यून है, बाकी सब चीज़ सेम है दोस्तों। आइए यहाँ थर्ड कॉलम में, सेकंड कॉलम में बात कर लेते हैं। सेकंड लेयर में यहाँ दोस्तों सेकंड लेयर में मैंने मृदंग 12 के नाम से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है 1064 48 इसका मैंने वॉल्यूम रखा है, और यहाँ पे इसका जो क्रॉस ट्यून है वो -5 है। देखो अब आते हैं हम यहाँ थर्ड, इसके थर्ड लेयर पे दोस्तों, थर्ड लेयर इसकी ऑफ करी हुई है। तो आइए यहाँ थर्ड कॉलम में देख लेते हैं। थर्ड कॉलम में दोस्तों फर्स्ट कॉलम में चलते हैं, थर्ड कॉलम फर्स्ट लेयर में यानी लेयर वन में 1893 इंस्ट्रूमेंट है स्टिक ढोल वन के नाम से, तो इसका लेवल है हमारा 63, और दोस्तों यहाँ +1 इसकी क्रॉस ट्यून है। आइए सेकेंड लेयर में देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड लेयर में रॉक टॉम 2 है 0385 इंस्ट्रूमेंट नंबर, 63 दोस्तों इसका वॉल्यूम, और यहाँ पे -7 दोस्तों इसका जो है क्रॉस ट्यून। यहाँ हम लोग थर्ड कॉलम में देख लेते हैं, यानी थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में दोस्तों मैंने कॉमको HHOP के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट है 0800 यानी 800 नंबर पे, 0800 नंबर पे 45 इसका ट्रिक वॉल्यूम है, और -2 इसकी क्रॉस ट्यून है, बाकी सारी चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे सेम करी हुई है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम के दोस्तों ए पार्ट में हम लोग बात करते हैं, क्लैप 3 1151 इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, 63 इसका जो है वॉल्यूम है, और +1 इसकी क्रॉस ट्यून है। आइए यहाँ सेकेंड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं। सेकेंड लेयर में साउंड इफेक्ट 1 2 3 नाम से इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है दोस्तों इसका 1011 10 11 यानी 1011,
53 इसका मैंने वॉल्यूम किया हुआ है दोस्तों, और -4 इसकी जो है वो क्रॉस ट्यून है। आइए यहाँ थर्ड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं, फोर्थ कॉलम थर्ड लेयर बिल्कुल खाली है, तो आइए यहाँ फिफ्थ कॉलम में बात करते हैं। फिफ्थ कॉलम में दोस्तों यहाँ पे मैंने ढोलक बायां 3 लगाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है 1185। यहाँ फर्स्ट लेयर फिफ्थ कॉलम में ढोलक बायां 3 1185 इंस्ट्रूमेंट नंबर 63 हमारी इसकी जो है वॉल्यूम है, और -5 क्रॉस ट्यून है। तो यहाँ सेकंड लेयर में देख लेते हैं, सेकंड लेयर में दोस्तों बेस लगाया हुआ है 0095, और इसका जो है मैंने वॉल्यूम रखा है 53, बाकी क्रॉस ट्यून वगैरह 0 है दोस्तों। और यहाँ थर्ड कॉलम में फिफ्थ जो है हमारा कॉलम है उसके थर्ड लेयर में हमने ऑफ छोड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ सिक्स्थ कॉलम में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम में जो है हमारा फर्स्ट लेयर में बात करते हैं, 1207 इंस्ट्रूमेंट है, 63 जो है हमारी वॉल्यूम है, और यहाँ पे 0 इसका क्रॉस ट्यून है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लेयर सिक्स कॉलम 1207 इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ सेकंड लेयर में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1191 करके चाटी है ढोलक की, और 63 इसका लेवल है यानी वॉल्यूम, और क्रॉस ट्यून इसकी 0 है। यहाँ थर्ड कॉलम में दोस्तों मैंने यानी थर्ड लेयर में बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ सेवेंथ कॉलम में बात करते हैं दोस्तों, सेवेंथ कॉलम के फर्स्ट लेयर में मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है 1893 जिसका लेवल है 63 और यहाँ क्रॉस ट्यून है +1, और सेकंड लेयर में दोस्तों खाली रखा हुआ है, और थर्ड लेयर में यहाँ इंस्ट्रूमेंट है कॉमको HHOP के नाम से 0800 इंस्ट्रूमेंट नंबर 0800 नंबर इंस्ट्रूमेंट नंबर है, ट्रिक वॉल्यूम है 45 और यहाँ क्रॉस ट्यून है -2। तो दोस्तों यहाँ पे सेवेंथ कॉलम हमारा पूरा होता है। आइए यहाँ पे हम लास्ट कॉलम देख लेते हैं, यहाँ एट्थ कॉलम के ए पार्ट में दोस्तों रॉक टॉम 2 नाम से इंस्ट्रूमेंट है 385 नंबर वहाँ पे मैंने लगाया हुआ है रॉक टॉम 2, और यहाँ पे ट्रिक वॉल्यूम है दोस्तों 63 और -5 इसका क्रॉस ट्यून है। आइए सेकंड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं, सेकंड लेयर में R10 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है 1324 जिसका लेवल है 44 और यहाँ पे -4 इसका मैंने लेवल जो है यानी पिच का किया हुआ है, क्रॉस ट्यून -4 है। आइए यहाँ थर्ड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं, थर्ड लेयर में क्लासिक HH के नाम से इंस्ट्रूमेंट है यानी हाइस है 0791 0791 इंस्ट्रूमेंट नंबर 40 इसका ट्रिक वॉल्यूम और यहाँ पे क्रॉस ट्यून 0 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पैच बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको इसे बनाने में बजाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको और आसान तरीके से मैं बता दूंगा। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी ऑल पैच वाली तो जाके देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पे मुझसे ज़रूर जुड़िए, और हमारे फेसबुक पेज पे दोनों ही ऑक्टोपैड मेनिया के नाम से है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।